क्या आप अपने किचन की पुरानी चाय पत्ती और चीनी के डब्बे से परेशान है? तो आज हम बात करेंगे, बात नहीं हम आज डीआईवाई करेंगे, चीनी और चाय पत्ती का पुरानी से नया डब्बा बनाएंगे आज हम। सो हाय एवरीवन, मैं हूं साक्षी वर्मा और आज हम करेंगे नया डीआईवाई। नई तो ये डीआईवाई आप किसी भी पुराने कंटेनर से नया कंटेनर हम बना सकते हैं। और मैंने यूज किया है इसमें टाटा टी प्रीमियम जो चाय पत्ती होती है उसका मैंने कंटेनर यूज किया है। आप चाहे तो कोई और कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो किसी भी तरह का कंटेनर चलेगा, बस हम उसमें डीआईवाई करेंगे और वो इतना सुंदर डीआईवाई होगा आप देख सकते हैं वीडियो। जो कि मैंने आपको दिखाए हैं अभी, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें कि मैंने ये कैसे बनाए हैं। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यूज किया है इसमें स्प्रे पेंट, आप इसे सिंपल एक्रिलिक पेंट के साथ भी कर सकते हैं डीआईवाई, और इसमें कोई एक्स्ट्रा हमने सामान यूज नहीं किया है। सो मैंने यूज़ किया है स्प्रे पेंट, आप चाहें तो एक्रिलिक पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं, या जो मार्केट में अवेलेबल जो पेंट की जो डब्बे आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप पेंट करने लगे तो ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर लगा लें जिससे कि ख़राब ना हो, क्योंकि पेंट इजीली निकलता नहीं है, फिर उसकी प्रोसेस आपको और करनी पड़ेगी उस पेंट को निकालने के लिए। और आप ध्यान से पेंट करें। सो दिस इज़ ओनली जस्ट आइडिया फॉर यू कि मैंने ब्लैक कलर किया है टी के कंटेनर के लिए और वाइट कलर यूज़ किया है मैंने शुगर के कंटेनर के लिए। इससे एक तो देखने में ये टेम्पटिंग लगेगा और थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि ब्लैक है टी का, वाइट है शुगर का। और मैंने इसको वाइट स्प्रे पेंट में कर रही हूँ शुगर के लिए, और मेरा स्प्रे पेंट बल्कि ख़त्म भी हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया है एक्रिलिक पेंट, और उसके बाद मैंने एक्रिलिक पेंट की दो कोट करे थे मैंने, जिससे कि वो ढंग से उसका कलर दिखे, वरना वो बहुत लाइट लग रहा था। सो मेरे दोनों कंटेनर पेंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसको डेकोरेट। सो डेकोरेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है फ्लोरल शीट, मैंने प्रिंट आउट करके निकाला था ये, क्योंकि मेरे पास घर पे कोई अभी चार्ट पेपर या कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये प्रिंट आउट निकाला है और मैं इसकी कैप में लगाऊंगी कट करके। सो या आई नो अभी आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो पेपर लगा रही है तो पेपर तो फट जाएगा अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा, और ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, है ना, आप यही सोच रहे होंगे ना। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। मैं अभी क्या करने वाली हूँ DIY, अभी आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें इसके लिए। और हाँ, अगर आपके पास प्रिंट आउट आप नहीं निकाल सकते हो तो आपको पता है क्या करना है, आपके पास कोई भी गिफ्ट पेपर पड़ा हो या कोई भी चार्ट पेपर पड़ा हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम मेरी तरह ही करें, आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं इसमें। सो मैंने फेविकोल की हेल्प से इसको चिपका लिया है अच्छी तरीके से, और आप ये ज़रूर देखें कि ये मैंने कैसे चिपकाया है, आप इसकी साइड कॉर्नर्स को कैसे ऐसे करके कट करेंगे तब ये ऐसे साइड में ऐसे चिपका लें, और ये इससे ना मजबूत अच्छे से चिपकेगा। वरना आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कट कर करके अगर आप चिपकाओगे ना तो वो नहीं होएगा, आप सिर्फ ऐसे साइड से एक कट मारें और ऐसे इसको इसके कॉर्नर्स को ऐसे करके चिपका लें। सो मेरी कंटेनर की जो कैप है वो बन के रेडी हो गई है, आप इससे देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लगेगा, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, और ये फ्लोरल शीट मैंने करा है तो ये तो बहुत सुंदर लगने वाला है। और उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने प्रिंट आउट शुगर एंड टी का भी निकाला है मैंने, ये मैंने खुद टाइप किया है टी एंड शुगर करके, मैंने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी है इसमें, और ये प्रिंटर हमारे पास है तो इसलिए हम इसका फ़ायदा उठा लेते हैं।
नहीं तो आप कहीं से कहीं और से भी कुछ और जुगाड़ कर सकते हैं, खुद चार्ट पेपर पे कट करके या खुद से अपना ड्रॉ करके लिख सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये कट आउट कर लिया और इसके बाद मैं इसको चिपका लूँगी। तो ये है मेरी वीडियो का पूरा जो ट्रिक है ना, मैंने इसके लिए इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए क्या किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फेविकोल हम बनाएंगे एक मॉड पॉज ग्लू। तो मैंने लिया है फेविकोल और पानी। और हम क्या करेंगे, जो फेविकोल हम जितनी भी लेंगे उसका 1/3 लेंगे पानी और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जहाँ पे भी हमने चार्ट पेपर या जो भी हमने पेपर वर्क कराया, अगर हम उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो हम वहाँ पे इस ग्लू का जो मिक्सचर है, ये जो मॉड पॉज ग्लू हमने घर पे बनाई है, उसको हम उसके ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। 2-3 कोट तो हम लगा ही लेंगे उतना पक्का करने के लिए। और इसको अच्छे से सूखने देंगे, एक दिन तो हम इसको अच्छे से सूखने ही दें, कम से कम पंखा चला लें तेज और इसको सूखने दें। और फिर उसके बाद जब आप देखेंगे ना, तो इसके ऊपर एक कोट सा बना हुआ आ जाएगा और ये हमारा रेडी हो जाएगा। इससे अगर आप पानी के हाथ भी लगाएंगे तो भी ये ख़राब नहीं होएगा, ये नहीं निकलने वाला है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये कंटेनर। आप इसको बहुत अच्छा डेकोरेट और भी कर सकते हैं, आपके पास अगर सामान है। मेरे पास जितना सामान अवेलेबल था घर पे, मैंने उससे ये बनाया है अपना दिमाग लगा के। तो आप भी अपना दिमाग लगाएं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें अपने घर पे बैठ के। और कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही कंटेनर यूज़ करें। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और हम लेडीज़ वैसे भी किचन में ज़्यादा काम करते हैं, और किचन अगर हमारी सुंदर लगेगी तो हमें भी अच्छा लगता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइज़।